अपने लहू से धोया है और स्वर्गीय जल से तुझे शुद्ध किया है और अपनी आत्मा डालकर तेरी आत्मा में एक किया है और कहा है मैं और पिता एक हैं। वैसे तुम और मैं एक हूँ। अब से तेरा आत्मा मेरा और मेरा आत्मा तेरा हो जाए प्रभु। आज से प्रभु जी और ये बच्चे प्रभु तुझको प्रभु जी भेद हो मेरे परमेश्वर पिता, तुझको ग्रहण हो मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि इन्होंने वचन को सुना है और कहा है मैं वचन पर मन लगाता हूँ। मेरे परमेश्वर पिता आज से तूने इनके पापों को क्षमा कर दिया मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु तूने आप ही कहा है कि धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। मेरे प्रभु मैं सब पर प्रभु तेरे अनुग्रह को और तेरे वचन को इनके हृदय रूपी पटिया पर उतार देता हूँ, रिलीज कर देता हूँ। टच इनहेल द हार्ट, टच स्पिरिचुअल हॉली स्पिरिचुअल टच एंड बॉडी इनहेल फ्रेश एंड न्यू यीशु के नाम में और ये जीसस क्राइस्ट। और मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु। इनका मन नया हो जाए, इनका मन बदल जाए और प्रभु इनके मन के अंदर तू रहे, इनके मन के अंदर तू मंदिर बना ले और तू इसमें चल और फिर और वास कर मेरे परमेश्वर पिता। इनके अंदर पिता कोई भी प्रभु जी विरोधाभास ना होने पाए आपसे। ये प्रभु तेरी संतान है, ये तेरी निज प्रजा है, तू अपनी महिमा में इन भर कर, इनको इस्तेमाल कर, हम सबको इस्तेमाल कर। देख पिता हम तेरी ओर आस लगाते हैं, तू ही एकमात्र जीवित परमेश्वर है जो हम सब का उद्धार करता है प्रभु। हम सबको इस पाप की दशा से तूने छुड़ाया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। सभी को जय यीशु की। आइए हम कुछ देर वचन को मनन करेंगे। कितने लोग करेंगे मैं बीमारी में रहना चाहते अपने हाथ तक उठाएंगे, कितने लोग रहना चाहते हैं? कोई नहीं, किसी का हाथ नहीं उठेगा। अच्छा ठीक है, चलिए। जो लोग आशीष पाना चाहते हैं कि परमेश्वर ने ब्लेस करे, आशीषित करे, फलवत करे और पूरे संसार से बढ़ कर रहे हैं, वो अपने हाथ तक उठाए। सभी लोग आशीष पाना चाहते हैं तो प्रभु ने कुछ वचन दिया है, वचन को मनन करेंगे। आइए हम सब वचन निकालेंगे। मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय, हम सभी लोग 6 पद को मनन करेंगे। हालेलुया। आइए वचन को पढ़ते हैं, देखते हैं खुदा इन वचनों के द्वारा हम सभी से क्या बात करना चाहते हैं। तो प्रभु का वचन कह रहा है क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इस कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते जाए हो, हालेलुया, हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा, हालेलुया। परमेश्वर वचनों के द्वारा आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर क्या कह रहे हैं प्रियो? परमेश्वर कह रहे हैं क्योंकि मैं यहोवा हूँ। यहोवा परमेश्वर कौन है? कोई संसार का सृष्टि करता है प्रियो, हम सभी को बनाने वाला परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। प्रभु कह रहा है कि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी तरह हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। परमेश्वर ने अपनी बनाई हुई संरचना को नष्ट नहीं किया प्रियो। प्रभु कह रहे हैं अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हट गए, हालेलुया। जो हमारे पुरखाओं के ऊपर परमेश्वर की विधियों नियमों को नहीं मानते थे प्रियो, क्योंकि हम सत्य को नहीं जानते थे, सत्य हमें स्वतंत्र नहीं कर पाया उस समय। और जब खुदा ने हमें चुना अपनी महिमा के लिए और परमेश्वर का वचन हम सभी को क्या किया? स्वतंत्र कर दिया। किस विधि और किस नियम के बारे में परमेश्वर यहाँ पर बात कर रहे हैं? प्रभु कह रहे हैं और उनका पालन नहीं करते, तुम मेरी ओर फिरो तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। परमेश्वर कह रहा है
देगा अपने दिमाग को देखा।
चढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। हालेलुया। जो लड़की ढाई साल ढाई महीने से नहीं सोई थी, जब परमेश्वर की कलीसिया में गई, प्रभु के दासों ने मेरे लिए ले हैंड प्रेयर किया और उसी दिन से मैं चंगी होने लगी। प्रियो, दसवांश क्या होगा, दाम क्या होता है मुझे नहीं पता था। जब मैं कलीसिया जाने लगी, मेरे पास्टर ने, मेरे अबुआ ने मुझे भी सिखाया। मैं जन्म से नहीं सीखी थी, परंतु मेरे अभिषिक्त ने मुझे सिखाया कि दसवांश होता है, दान होता है, जो अपने कमाई का होता है उसको आपको बोना है। प्रियो, हालेलुया। मैं इस बात को अपने पति से बताई, हालेलुया, क्योंकि ये प्रभु का वचन है। और जब हम पति पत्नी 2015 से जो प्रभु ने हमें जन्म का कलीसिया दिया है, हम अपनी कमाई का दसवांश बोते थे। हालेलुया, बोते हैं, आज भी बोते हैं। हालेलुया। प्रियो, आपको बता नहीं सकते, मैं सिर्फ एक कमरे में रहती हूँ, मेरा परिवार बड़ा है, सभी को एक एक कमरा मिला है। मैं भी एक कमरे में रहती हूँ, आज भी रहती हूँ। क्यों? क्योंकि प्रभु ने कहा है, जो मेरे नाम से अपने घर द्वार रोजी रोजगार को छोड़ देगा, उसके लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। ये जो भवन बना है ना, ये हमारी दुकान की कमाई से एक रुपया यहाँ पे लगा है, कोई दान का नहीं लगा है। प्रियो, परमेश्वर ने झोली सौंप दी है, उसकी जॉब की कमाई से जो अपने कलीसिया में दसवांश बोते थे, उसका प्रतिफल परमेश्वर ने दिया। जो हम बोए थे आज परमेश्वर ने काटने को दिया। प्रभु, किसी का कर्ज दाग नहीं है। प्रियो, हालेलुया। हम क्या करते हैं, कुकुरा के बोते हैं। प्रभु का कहता है वचन में, हर्ष से बोने वाले बनो, न दबाव से, न कुड़कुड़ के। हालेलुया। जब हम बो के आते थे अपने कलीसिया में, प्रियो, तो हमें ऐसा लगता था कि कोई मेरे ऊपर से बोझा उतार के रख दिया है। मुझे इतनी हल्का पर इतनी खुशी महसूस होती थी। प्रियो, कि मैं आपको बता नहीं सकती, मैं आज अपने जीवन की गवाही क्यों दे रही आपके बीच। हालेलुया। इसलिए क्योंकि गवाही से बहुतों का विश्वास बढ़ता है। मैं आज भी एक कमरे में रहती हूँ, मेरा कोई किचन नहीं है, मैं सीढ़ी के नीचे खाना बनाती हूँ, आज भी बनाती हूँ। मैं सीढ़ी के नीचे, चाहे धूप हो, चाहे ठंड हो, चाहे बरसात हो, बहुत से लोग मेरे घर गए हैं, उन्होंने देखा है। हालेलुया। आज भी मैं उसी किचन में बनाती हूँ और मैं प्रभु से रात में दुआ करके सोती हूँ कि परमेश्वर, तूने मुझे इस बीच का सबसे अच्छा किचन दिया है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भारी वस्तु की घटी नहीं होगी। प्रियो, मैं पहले सपाती थी अपने घर में बुलाने से पास्टर को, अगुओं को, कि एक कमरा है, मैं कहाँ बैठाऊंगी, कहाँ खिलाऊंगी, कहाँ एडजस्ट का मान करूंगी। मेरे को एक खुदा की दासी ने बोला, प्रभु का वचन कहता है, जो तुम्हारे पास रहे उसी में तो संयम रखना, संतोष करना, उसी में प्रभु के दासों को बुलाना स्टार्ट करो, प्रभु तुम्हें बड़ी ब्लेसिंग देगा। हालेलुया। मैं नहीं फिर सर्वाइव, मेरे यहाँ जितने पास्टर, जितने लोग आना चाहते थे, मैं सबको बुलाती थी, दुआ प्रार्थना सब कुछ कराती थी। एक बहुत बड़े पास्टर हमारे घर आने वाले थे, तीन पास्टर की, तीनों की पत्नी, हालेलुया, छह लोग में हमने बहुत अच्छा इंतजाम खुदा ने किया, टेंट लगवाया, और बहुत जो मेरे चित में नहीं था, जो मेरी सोच में नहीं था, वो खुदा ने किया। जब प्रियो प्रार्थना रखे हुए, जब वो मेरे किचन को देखे ना, वो पति पत्नी फूट फूट के रोने लगे, और बड़े दिल से मनोज जी का पंकज और आंटी ने दुआ किया मेरे लिए। और फिर यहाँ पे जब जमीन का हमने बताया, यहाँ पर ही वो आए प्रभु के दास, यहाँ पर भी प्रार्थना किया, ब्लेसिंग, और जैसे ही वो करके गए, भवन बनना स्टार्ट हो गया। हालेलुया। वो प्रभु के दास बड़े आत्मा सच्चाई से प्रार्थना को किया। प्रियो, हालेलुया। और फिर दिन प्रतिदिन जब हम अपने कलीसिया में बोते थे, हम लोग ने कभी सोचा भी नहीं था, ये जो जमीन हम लोग ने लिया था आज से 10 साल पहले, हम सोचे थे कि हम लोग अपनी बेटियों की बेच के इस जमीन को शादी कर देंगे। हालेलुया। लेकिन प्रभु की योजना कुछ बड़ी होती है। प्रियो, प्रभु कहता, जो तुम्हारे चित में, जो तुम्हारे सोच में नहीं है, वो खुदा करने की सामर्थ्य रखता है।
करना पड़ता है स्त्रियों, फिर भी हम चिंता नहीं करते। क्यों? क्योंकि प्रभु का काम चिड़िय पक्षी को देखो, ना बोते ना काटते ना खटकों में बटोरते, फिर भी परमेश्वर ने खिलाता है। तो तुम उससे बढ़कर हो। हालेलुया। जब आप खुदा के राज में बढ़ेंगे तो परमेश्वर आपको बड़ी ब्लेसिंग देगा। हालेलुया। लेकिन पूरी ईमानदारी से, ये नहीं 1000 रुपए कमाया तो हम 10 रुपए ला के प्रभु के भवन में डाल दे। 1000 का 100 रुपए दशमांश से बनता है। जब आप अपना सच्चाई से चलेंगे, परमेश्वर के वचन को मानेंगे, कोई मनुष्य आपको नहीं बढ़ाएगा। आपको बढ़ाने वाला, लगाने वाला, सींचने वाला कौन है? स्वर्गीय पिता है, परमेश्वर पिता है, जो बढ़ाता है, जो ब्लेसिंग देता है। हालेलुया। और प्रभु क्या कह रहे हैं वचन में? प्रभु कह रहे हैं ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपना आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। कैसी आशीष की वर्षा करेगा प्रभु? अपरंपार की। बोलिए कलीसिया, कैसी आशीष करेगा? Woman!
खर्चा होगा प्रियो, उसमें क्या करना परमेश्वर आशीष देगा। जब आपके पति कमा के लाते हैं ना, क्या करना है, हाथ में लेना है, प्रार्थना करना है पूरे पैसे पे और यीशु का लहू का बाड़ा बांधना है। और सर्वप्रथम पहला स्थान परमेश्वर, प्रभु ये तेरा दसवां ये 90 अंश में तेरी आशीष मांगते हैं प्रभु, इसे कोई शैतान न चुराए, ये तेरी आशीष तेरी महिमा में लगने पाए। जब आप ऐसा करके प्रार्थना करेंगे उन पैसे पर, प्रभु क्या करेगा, आशीष देगा। हम ऐसा करते थे जब हमारे पति काम पे चले जाए, अगर जब पैसा आता था उस पैसे में ऐसे मूवमेंट करते थे, परमेश्वर कलेजे करते थे मूवमेंट करते थे, ऐसे लहू का बाड़ा बांधते थे, ऐसे करते थे उन पैसे को चारों ओर। और परमेश्वर जी कहते परमेश्वर की आशीष मांगते हैं कोई शैतान ना खाने पाए इस पैसे को, ये पैसा तेरे भवन में लगने पाए। हालेलुया, जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर की बड़ी आशीष को अपने जीवन में आगे देखेंगे प्रियो। हालेलुया, प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आई प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते मेरे प्यारे परमेश्वर पिता के जीवन से के ग्योरे से श्राप टूटे, बंधन टूटे, या आशीषित हो जाए, ब्लास हो जाए, फलवंत हो जाए पिता, और प्रभु को सारा गलत बीज ना बोए पिता, सब आत्मा सच्चाई से अच्छा उत्तम भेंट लाए आपके राज के लिए पिता, कि आपके भवन में किसी भी भारी वस्तु की घाटी ना रहे पिता परमेश्वर। आप मेरे खुदावन उनके हाथों को ब्लास कर, इनके खेत खलिहान को ब्लास कर, उनके खत्तों को ब्लास कर पिता परमेश्वर। हम ऐसी आशीष को मांगते हैं सभी के जीवन में, सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हुए खुदा यीशु प्रभु के नाम मांगकर हम इन पाले जब मैं हमारे बीच में कीर्ति बेटी आराधना करेगी, उसी समय खुदा के राज के लिए अपने बीज को बोएंगे। कीर्ति नहीं सुबह उसे